Good morning children, welcome in my GK online class. Going to teach you GK. Today my topic is knowledge park. Page number 26 and 27. You must mention in your copy page number because so many knowledge park in your book. That is. तो आप जो है जैसे नॉलेज पार्क जो है आपके बुक में बहुत सारा है तो आप जो है पेज नंबर से जरूर उसे इंडिकेट कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि हमको कौन सा नॉलेज पार्क पढ़ना है। अब आ जाइए इसमें, इस नॉलेज पार्क के जरिए कुछ जो है वुमेन्स वॉरियर के बारे में दिया गया है जो हमारे प्राचीन काल में इतिहास में जो है एक बड़े योद्धा की तरह लड़े हैं, योद्धा की तरह राज किए हैं, तो उन्हीं के चर्चा की गई है इसमें। फर्स्ट है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? एक यहाँ पर एल छोटी गया है, सुल्ताना। सी वॉज द सुल्ताना ऑफ दिल्ली। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और इन्होंने अपना राजगद्दी अपने बेटे को दिया था, लेकिन वो क्या था, अयोग्य था, उतना योग्य नहीं था। तो रजिया जो कि बहुत ही एक इंटेलिजेंट थी, घुड़सवारी और रण में थी, युद्ध में भी काफी निपुण थी, बहुत ही उम्दा किस्म की घुड़सवारी करती थी ये, तो इनकी काबिलियत को देखकर इनके पिता ने राजगद्दी इन्हें ही दी थी। तो ये इस प्रकार ये पहली भारतीय मुस्लिम शासिका बनी। सी इज द फर्स्ट वुमेन रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम एंड तुर्किस। ये जो है पहली मुस्लिम महिला जो है भारत की शासिका बनी थी। और इनका था, ये जो था बाद में जो है इनको, क्योंकि इन्होंने क्या किया था अपने राजकाल में गैर तुर्कों को जो है सामंत बना दिया, जिससे क्या हुआ था कि जो तुर्क सामंत थे वो इनके विद्रोही हो गए और तब इन्हें गद्दी से हटा दिया गया था और बाद में इनकी हत्या भी कर दी गई थी। लेकिन रजिया सुल्तान एक बहुत ही क्या कह सकते हो उम्दा किस्म की योद्धा थी और इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग करके एक मुस्लिम शासिका के रूप में जो है राज्य पर शासन किया। इसके बारे में आप हिस्ट्री में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, जीके उन्हीं शॉर्ट पॉइंट को इंगित करता है जो बेनिफिशियल हो। अब आगे चांद, जैसे आप रजिया सुल्तान के बारे में आपको अगर पढ़ा है तो सिर्फ यही पहला इसका पॉइंट बनता है कि ये भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। फर्स्ट इनका शासन कब से कब तक रहा है? 1236 से 1240 तक रही है। कहाँ की शासिका थी? दिल्ली की थी, दिल्ली पर राज किया था इन्होंने। अब आ जाइए चांद बीबी। सी वॉज एन इंडियन मुस्लिम वुमेन वॉरियर। ये एक इंडियन मुस्लिम वुमेन वॉरियर थी, यानी कि योद्धा थी, महिला, पहली सॉरी इंडियन भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। सी एक्टेड एज द रेजिडेंट ऑफ बीजापुर एंड अहमदनगर। ये जो है एक काम किया था बीजापुर अहमदनगर की सुरक्षा के रूप में, एक दूत के रूप में इसके साथ काम किया था। सी इज द बेस्ट नोन फॉर डिफेंडिंग अहमदनगर अगेंस्ट द मुगल। इन्होंने एक बहुत अहम रोल, अहम भूमिका निभाई थी अपने राज्य को बचाने में, अहमदनगर को बचाने में, किससे? मुगल से, मुगल से बचाने में अहमदनगर को। पहले क्या होता था, जैसे अगर किसी देश का राजा अगर मर जाता था और राजगद्दी खाली रहती थी तो वो जो बड़ा राजा रहता था वो उसे कैप्चर करना चाहता था, तो वहां की जो कई जगह ऐसे होते थे कि मुस्लिम थी महिला शासिका जो रहती थी वो उन्हें अपना राज्य न दे करके उस पर खुद शासन करना चाहती थी और उन्ही योद्धाओं का ये चर्चा है जिसको खुद से शासन किया, हम ठीक है आपसे लड़ते हुए मरेंगे लेकिन आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे, हम अपना राज आपको नहीं देखेंगे, ठीक है आप लड़िए हमसे, हम आकर लड़ाई में हार जाते हैं तो आपका हमारा राज्य आपका होगा, लेकिन यूं ही कहेंगे कि हमें अपने राज्य दे दो तो हम नहीं देंगे। तो इस तरह की ये शासिका सब थी। तो इन्होंने अहमदनगर को किससे बचाया? मुगल से बचाया। अब आ जाइए ताराबाई। ये क्या है? सी वॉज द क्वीन ऑफ मराठा एम्पायर। ये मराठा एम्पायर की महारानी थी। अब जैसे मराठा एम्पायर भी जो क्या था,
ध्वस्त हो रहा था, उसके लोग मतलब बहुत कम स्किलफुल राजा हुए थे, तो उन्हीं में से एक ताराबाई थी जिन पर हड़पने के लिए आगे आए थे ये मुगल कि हमें ये मराठा संप्रदाय को ले लेना है। तो उस समय ताराबाई जैसी योद्धा जो उभर के सामने आई और उसने मुगल से युद्ध किया। सी वॉज स्किल्ड इन द कैवलरी मूवमेंट, यानी कैवलरी मतलब घुड़सवारी कहते हैं उसे, जो किसी पर शायद यहाँ पर मीनिंग भी मैंने लिख दिया है, घुड़सवारी युद्ध में ये काफी थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त, अगर ठान लिया कि मुझे वहां वो राज्य को ले हड़पना है या लेना है जीतना है तो वो करके रहती थी। सी पर्सनली लेड द वॉर एंड कंटिन्यू द इंसर्जेंसी अगेंस्ट द मुगल, ये जो है खुद ही अपने वार का लीडर लीड करती थी कि हम जैसे होता है ना युद्ध में जो होता है ना कि क्या होता है कि उसका भी एक नीति युद्ध नीति भी होती है जो उसके साथ ही वह युद्ध भूमि में उतरा जाता है, एक प्लान बनाया जाता है कि हमें युद्ध में जाकर के कैसे कहाँ किस प्लेयर योद्धा को रखना है, कहाँ घुड़सवारी यूज करनी है, कहाँ हाथी की सवारी यूज करनी है, कहाँ सैनिक को रखने है, किस प्रधानमंत्री को रखना है, मतलब मंत्री को रखना है, तो ये सब एक प्लान होता है घुड़सवार, ये क्या कहते हैं युद्ध कला नीति जिसे कहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है। तो यह नीति ये क्या करती थी, जानती थी और उसके अगर कहीं भी अगर युद्ध के लिए जाती तो ये प्लान खुद करती थी, अपने सेनाओं का खुद लेट करती थी कि हमें कहाँ कैसे आक्रमण करना है, इसका वो नियंत्रण, सेना पर नियंत्रण ये खुद रखती थी अपना। और इस ये क्या और मुगलों के खिलाफ इन्होंने कई युद्ध लड़े। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमने किस किस जांबाज महिलाओं को जाना जिन्होंने अपने राज्य को बचाने में अहम भूमिका निभाई और हिस्ट्री में अपना नाम रोशन किया, रजिया सुल्तान, चांद बीबी और ताराबाई। तो अभी आपने इन महिलाओं को अभी हाल में पेपर में सुना होगा, दीपिका जो तीरंदाजी में जो है गोल्ड मेडलिस्ट ली थी, तो उनका भी आप पेपर पढ़ते रहिए, उसमें जानिएगा कि कैसे महिला लोग आगे आ रही है। तो आप इसका पेयर कर लीजिए जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप लोग ठीक कभी कभी अपोजिट कर देते हैं जिससे बुक उतार के सेंड कर देते हैं, तो वैसा नहीं करेंगे, इससे पता चला उसे बुक उतार दिए, पॉइंट से पढ़िए। आप भी अगर कुछ और पॉइंट बनाना चाहते हैं तो उससे निकाल के बना सकते हैं, हमने दो लिखा है आप चार लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार आप पॉइंट वाइज लिखने से क्या होगा कि आपको हाईलाइटेड पॉइंट, हाईलाइटेड मार्क जो वैल्यूएबल पॉइंट हो गए वो आपको पता चलेगा। तो थैंक्स, बाय।